हाय एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है न्यू वीडियो में। आज थंबनेल आप लोग देख ही लिए होंगे किस टॉपिक पर बात किया जाएगा गाइस लोग, क्योंकि ये जो आप बाल्टी देख रहे हैं एस स्पार्क है, इसका वैलिडेट 2 ईयर यानी कंपनी देता है, लेकिन फिर भी 4-5 साल चल ही जाता है पेंट। और इसको देखिए हम लोग मिक्स कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि 20 लीटर जो पेंट होता है, 20 लीटर का बाल्टी, उसमें कितना कलर में पानी मिलाना है। 20 लीटर में आपको 6 से 7 लीटर मैक्सिमम आपको मिलाना है, क्योंकि ज़्यादा फिर पानी देने से मटेरियल ख़राब हो जाता है, इसलिए पानी 6 से 7 लीटर आपको मिलाना है। उसके बाद ब्रश दीवार में चलाना है कि किस ढंग से दीवार में चल सकता है। आपको रोलर या ब्रश जैसा आपको यूज़ करना है उससे आप यूज कर सकते हैं। ये मैं पहला जो आप लोग देख रहे हैं दीवार में, पहले दूसरा कलर किया हुआ है, सेम मारा हुआ था, सेम के ऊपर ये एस स्पार्क एशियन पेंट्स में जो आता है वही किया जा रहा है। ये सेकेंड राउंड होगा, क्योंकि सीलिंग वाइट कर दिया हूँ पहले, सीलिंग का वीडियो नहीं लिया हूँ इसलिए सॉरी। लेकिन सीलिंग में वाइट एपेक्स सॉरी वाइट एस स्पार्क किए हैं, और आप लोग दीवार पूरा देख रहे हैं कहीं कहीं ज़्यादा ख़राब है, वहाँ गुट्टी पीओपी से भरा जाएगा। और ये देख लीजिए कलर कोड क्या है, कलर का 4105, कलर का कोड है 4105, और ये कंपनी एशियन पेंट्स में है। और एस स्पार्क ये तो नया चला है फिलहाल, ये भी ठीक है, एस स्पार्क भी ठीक है, लेकिन देख रहे हैं ब्रश से धार काट कर रोलर चलाया जाएगा फिर। और यह कलर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और गाइस लोग आप लोग देख रहे हैं रोलर से पेंट किया जा रहा है। ये रोलर से पेंट करने का कुछ अलग ही अंदाज है, एक बहुत कम से कम बहुत फास्टिंग काम होता है रोलर से करने में, और ब्रश से बहुत स्लो यानी धीरे धीरे काम होता है, इसीलिए किया जा रहा है रोलर से। और ये फर्स्ट राउंड अभी तक किया जा रहा है, इसी प्रकार से सेकेंड राउंड भी आप लोगों को करना है। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन में ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचता रहेगा गाइस लोग। और ये कलर कोड आप लोग जान रहे हैं 4105 है, आप कोई भी कंपनियां का पेंट ऐसा कलर में बना सकते हैं, सिर्फ खाली ओनली कोड आप बताइएगा 4105 तो आपको बन जाएगा। ये देख लीजिए रोलर से कैसा करने में अच्छा लग रहा है, ये मैं कर रहा हूँ पेंट झला छाप। ये देखिए कलर फाइनल हो चुका है। अब रूम में जो स्कर्टिंग होता है नीचे बॉर्डर जो पड़ता है स्कर्टिंग के लिए, या बॉर्डर वही दिया जाएगा। और ये जो स्कर्टिंग है एक्शन कंपनी का ब्राउन पेंट आता है, एक्शन कंपनी का ब्राउन पेंट वही किया जा रहा है। ये भी सेकेंड राउंड हो जाएगा, फिलहाल अभी फर्स्ट राउंड किया जा रहा है, और इसी जिससे फर्स्ट राउंड कर रहे हैं इसी ढंग से सेकेंड राउंड भी पूरा करना होगा, यानी करूँगा वो वीडियो पर। आप बने हुए रहिए लास्ट तक, क्योंकि ये देख लीजिए ये नया मिस्त्री अभी है फिलहाल, इनका बॉर्डर का निशाना आप लोग देख लीजिए कहीं ऊंचा नीचा सूता से हो चुका है, आप लोग देख ही रहे हैं, फिर भी सीखना भी ज़रूरी है। ये देखिए कंप्लीट अब होना ही वाले हैं बॉर्डर का काम सिंगल राउंड। और आप लोग का रूम भी देख लीजिए कितना बेहतरीन, ये रूम के लिए पिंक कलर जो बोला जाता है रूम के लिए बहुत अच्छा कलर है, लाइट कलर भी है और ज़बरदस्त कलर है, आँख पर रोशनी भी नहीं पड़ता है। और आप लोग के बीच एक रूम में कितना कलर पड़ता है आप लोग जानते ही होंगे गाइस लोग, एक रूम में 8 लीटर कलर लगता है, 10x12 का रूम होगा तो उसमें 8 लीटर कलर लगता है। पूरा रूम आप लोग को घुरा कर दिखा रहे हैं, फाइनल हो चुका है। और अच्छा लगा कलर तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा, और यही देख लीजिए पूरा। बस आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, अगला वीडियो आपको फिर नोटिफिकेशन में पहुँचता रहेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।